हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में, और मैं हूं आपका होस्ट सीएमए रोहन शर्मा। और बेसिकली आज मेरे साथ स्नेहा है। स्नेहा बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और इनका अभी सीएमए कैंपस में एसेंचर में एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट सिलेक्शन हुआ है। तो सुनते हैं स्नेहा की स्टोरी, कैसी रही उनकी सीएमए जर्नी और कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग फर्स्ट ऑफर। सो हाय स्नेहा, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड थैंक्स कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो। ग्रेट। यस सर, इट्स माय प्लेजर सर। सो लाइक जब आपका कैंपस में सिलेक्शन हुआ था, उस समय आपको कैसा फील हो रहा था जब आपको एसेंचर से 10 LPS आई थिंक ऊपर का ऑफर था एसेंचर का? सो 11 लाख या 11 लाख का ऑफर था आपको एसेंचर से मिला, तो हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? सर, फीलिंग इट नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बिकॉज वो जो फीलिंग होती है, जो मेहनत की है इतने सालों से, वो मेहनत दिखती है हमें कि उस मेहनत का फल मिला है आज, तो राइट, वो जो फीलिंग है वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते सर। या सो बट आपका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद आपने सबसे फर्स्ट कॉल या फिर सबसे फर्स्ट आपने किसको बताया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है एसेंचर में? सर, कैंपस प्लेसमेंट मेरा मुंबई में था, मेरे पापा साथ में आए थे, ओके तो वहीं पे वेट कर रहे थे वो मेरा। मतलब सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था पूरा प्रोसेस, और शाम के 7 बजे रिजल्ट निकला, तब तक पापा वहीं पे थे, तो पहले मैंने पापा को ही बता दिया। अच्छा, आई थिंक जैसा मुझे याद है आपके पापा आर्मी से रिटायर्ड है, राइट? यस सर। राइट। सो जब आपने पापा को बताया तो उनकी फीलिंग कैसी थी आपके लिए? सर, उनकी आंखों में मतलब खुशी के आंसू बोलते हैं ना, वो पूरे आंसू दिख रहे थे, उनको भी लग रहा था कि हाँ, मेरे बेटी ने कुछ तो करके दिखाया। ग्रेट बहुत ग्रेट प्राउड फील करते थे सर। ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड आपको लाइक मेरी मेंटरशिप आपको कैसी लगी इस जर्नी में? सर, आपने जो मेंटरशिप दी है सर, मतलब उसमें हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया हर एक सब्जेक्ट वाइज, और पूरा सर इंग्लिश कम्युनिकेशन, मेन तो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, वो पूरा इम्प्रूव हुआ था सर। डेली आप जीडी लेते थे कि किसी भी टॉपिक पे आप बोलने के लिए बोलते थे, मतलब हम पहले डरते थे कि कैसे बोले इंग्लिश में, मतलब इतना अच्छा नहीं था इंग्लिश, पर जब से राइट, आपका कोचिंग लिया था कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो उसकी वजह से सर मतलब कैंपस प्लेसमेंट क्रैक हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सभी बच्चों ने आपसे लेना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट के लेक्चर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे सर, मतलब पूरा कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाता है, और आप नोट्स भी बहुत अच्छे प्रोवाइड किए थे आपने, तो उससे भी नोट्स आपको बहुत अच्छे लगे? हेल्प। यस सर, क्योंकि आपने इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं पूरी प्रैक्टिस करवाई थी आपने, और आपने खुद से इंटरव्यू भी लिया था हमारा 2 बार, तो उसमें हमको पता चला कि हम कहाँ पे कम है, कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए, तो वो इट रियली हेल्पफुल टू बी सिलेक्टेड इन असेंचर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपका एसेंचर में सिलेक्शन हो गया, कैंपस हो गया, एक अच्छा पैकेज भी मिल चुका है। अभी इसमें एक चीज और भी मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक आपने जब सीएमए स्टार्ट किया था और अभी आप जहाँ हो, तो लाइक कैसा फील हो रहा है उस चीज को देख के अपने ऊपर? सर, पहले मतलब जो स्नेहा थी पहले की और अब की जो है, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था सर, बस ऐसा पता था कि हाँ कुछ तो करना है हमें, पर जब से मैंने सीएमए जर्नी ज्वाइन की है, मैंने मतलब सीएमए कोर्स में एनरोल किया है, तब से लेके अब तक मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा नॉलेज मिल गया है मुझे फाइनेंस सेक्टर में, बाकी अकाउंटिंग अकाउंट पूरा, राइट, ग्रेट ग्रेट। और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है सर इस सीएमए जर्नी में। या अच्छा, बेसिकली जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, लाइक उस दिन जब आप अपना रिजल्ट देख रहे थे, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब आपने वो कॉन्ग्रेचुलेशन बड़े वर्ड्स आपने देखे सबसे पहले? सर, मैंने जब रिजल्ट देखा ना, लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल सीइंग माय सेइंग दैट रिजल्ट, बिकॉज उस टाइम पे जो रात में हम पढ़ते थे, दिन रात पूरा एक करके पढ़ाई किया है सर, पूरा डेली के 12-15 घंटा पढ़ाई, वो पूरा सामने आ गया, पूरा जर्नी, मतलब 15 मिनट तो मैं ऐसे ही बैठी रही, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अरे हो गया क्या, ऐसे फीलिंग था वो। ओके, तो वो होता है लाइक सारी चीजें रिवाइंड होने लगती है, कैसे हमने चीजें स्टार्ट की, कैसे चीजें हुई, अप एंड डाउन। अच्छा, आपके अटेम्प्ट्स भी लगे थे सीएमए में? सर, एक अटेम्प्ट लगा था, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएमए फाइनल में,
तब मेरी मम्मी शी इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, सो ओके एट दैट टाइम मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी, मेरे पापा पे थी, तो उस टाइम पे मुझे ज्यादातर ध्यान मुझे मेरे मम्मी पे देना था, तब भी मैंने दिया। मम्मी इतनी बीमार थी तब भी उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाओ एग्जाम के लिए, पर वो टेंशन रहता है कि मतलब गए एग्जाम में तब भी मतलब मम्मी का ऐसा थॉट्स चल रहा था कि क्या हो रहा है वहां पे। राइट राइट वो तो होता है. सेकेंड अटेम्प्ट, जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था उस टाइम पे मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मतलब अच्छा ओके मेरा तो दो सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी आया सर फाइनल में। ओके ग्रेट ग्रेट. इतने से इंटर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर था राइट? इंटर भी सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था। ओके सो मतलब इंटर भी आपका सेकंड था, फाइनल भी सेकंड था, और फिर भी कैंपस में आपके अच्छी ऑफर मिला आपको. ये मैंने इसलिए बोला है, रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरा टाइम लग गया तो मेरा कैंपस नहीं होगा. तो ऐसा कुछ नहीं कि टाइम लग गया तो कैंपस नहीं होगा, हर कुछ पॉसिबल है सब्जेक्ट टू आप एफर्ट करो तो. यस सर, सब कुछ पॉसिबल है। इसके अलावा आपने जब आपके अटेम्प्ट लगे और जब आपने क्वालिफाई किया, उसमें क्या क्या चीजें आपने नए चेंजेस किए? एक तो अभी आपका मम्मी वाला मोमेंट था कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब थी, बट अपार्ट फ्रॉम इंटर में भी आपके अटेम्प्ट लगे थे, तो आखिर क्या रीजंस होते हैं जनरली एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट लग जाते हैं? सर इंटर में अटेम्प्ट लगा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन एग्जाम दी थी, मतलब उस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा था, तो पूरा ऑफलाइन वर्जन में पूरा स्टडी किया था, और ऑनलाइन में पूरा कन्वर्ट होने के वजह से मतलब हुआ नहीं ज्यादा, टाइपिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं था तब उस टाइम पे। तो हाँ ये भी एक पर रीजन था, ऐसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी ऑनलाइन पेपर की वजह से. और सर नेटवर्क इशू भी बहुत चल रहे थे उस टाइम पे, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि पूरा आंसर शीट हमें पूरा अपलोड करना पड़ता था उस टाइम, उसमें बहुत सारा टाइम चला गया था सर। राइट. सो आफ्टर दैट आपने ऑफलाइन के लिए, आप ऑलरेडी सेटल्ड थे जब आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑफलाइन पेपर दिया, तो आपको पता था कैसे लिखना है क्या करना है, और इसलिए फिर आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया राइट? सर अच्छा दूसरी क्वेश्चन ये है कि आपने इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन के लिए आपने किया था? सर इंटर्नशिप मेरा 2.5 इयर्स का हो गया है सर। ओके 2.5 ईयर्स. इट मीन्स आपने काफी अच्छा एक्सपोजर आपने लिया. आपने सारे एक्सपोजर आपने फॉर्म में किया था या फिर आपने कंपनी में भी एक्सप्लोर किया? सर सीए फॉर्म में मैंने 6 मंथ किया था, ओके और एक कंपनी में नेटस्पेस इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये ट्रेडिंग कंपनी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो वहां पे मैंने 2 साल किया। ग्रेट. सो आपने फॉर्म में भी काम किया, कंपनी में भी काम किया, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कितने टाइम के लिए कम से कम तो उनको इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए फर्स्ट तो ये है, और फॉर्म और कंपनी कैसे वो डिसाइड कर सकते हैं? सर ये मतलब अपने खुद पे डिपेंड है कि फ्यूचर में हमें अगर फर्म स्टार्ट करनी है तो फर्म में ट्रेनिंग बेटर है, अगर हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करना है तो कंपनी में करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में पूरा पता चलता है वर्किंग कैसा होता है, कैसे हमें काम करना चाहिए, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो वो चैलेंजेस हमें पहले से ही पता चलते हैं जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री करने से पहले ही, तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि उनको अपना खुद का फर्म स्टार्ट करना है या जॉब करना है। राइट. अच्छा आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला था कि मैं कैंपस के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब में आपको फॉलो करती थी मैं सर पहले से ही, तो बाद में अपने मतलब ये भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए लेक्चर्स भी स्टार्ट किए, तो मैंने पहले वो देखा कि मैंने बोला ठीक है अभी कैंपस प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है क्योंकि रोहन सर पढ़ाने वाले पूरा, तो आपने जो करवाया था ना क्लास में वही किया है बस, एक्स्ट्रा बाकी कुछ नहीं किया सर। ओके ग्रेट. आपने अभी जो चीजें बोली ना वो चीजें मैं बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब शायद आपने मुझे शायद सुना हो, या फिर हो सकता है आपके और थॉट्स मेरे थॉट्स दोनों सेम हो. मेरा भी यही मानना रहता है कि अगर आपको अपना खुद का प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है तो आपको जाना चाहिए फॉर्म में, क्योंकि आपको पता चलता है क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं या क्लाइंट्स का एटमोस्फेयर कैसा होता है, ठीक है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी. ओके थैंक्स. अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी जर्नी से कुछ और स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि क्या क्या चीजें, कुछ ऐसी चीजें होती है मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए? मेरे से होता था, मैं थोड़ा सा हिंदी मीडियम से था तो कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश के चैलेंजेस आते थे जिसकी वजह से मेरे लॉ के पेपर हमेशा खराब होते थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था. बाकी न्यूमेरिकल में मेरे अच्छे नंबर आते थे,
तो आपके लिए कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग रहा हो आपके जर्नी में, और आपने उसको टेकल कैसे किया कि आपके उसमें अच्छे नंबर आए उस सब्जेक्ट में? सर मेरा भी मराठी मीडियम से ही हुआ है पूरा एजुकेशन। तो मुझे भी थोड़े से चैलेंजेस फेस करने के लिए मिले, क्योंकि जो लॉ है, जो थेरोटिकल सब्जेक्ट होता है, उसमें हमारी ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। हमको पूरा लॉ, जो उसके बिहाइंड रीजन वगैरह जो है, वो पूरा समझना चाहिए, क्योंकि जब हम वो चीज समझेंगे तभी हम एग्जाम में लिख सकते हैं। मैंने क्लासेस लिए थे उसके लिए, एमईपीएल से क्लासेस लिए थे, तो सर ने बहुत अच्छे से लॉ पूरा पढ़ाया था। तो जब सर पढ़ाते थे जो लॉ का, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन वगैरह, तो वो सेक्शन सर ने जब पढ़ाया तो उसी टाइम पे रिवाइज करना है। उसी टाइम पे अगर रिवाइज करोगे ना, तो ज्यादातर किसे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे एक सेक्शन पूरा रिवाइज करने में। तो डेली बेसिस पे वो करना चाहिए, तब भी हमारे माइंड में रहेगा पूरा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल है वो जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। तो उसके लिए डेली रिवाइज करना जरूरी है। और जो एग्जाम से पहले 1-2 महीना हमें रिटर्न प्रैक्टिस भी करना चाहिए सर, क्योंकि लॉ का जो कैसा होता है कि लॉ की जो लैंग्वेज है, हमको समझ में आता है कि हाँ ये प्रोविजन है, पर उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आंसर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने चाहिए, खुद से हाथ से सॉल्व करना है, तभी हमको पता चलेगा कि हम पेपर में क्या लिखते हैं, क्योंकि पढ़ते कुछ अलग है, लिखते कुछ अलग है, इसलिए प्रैक्टिस भी करना जरूरी है सर, रिटर्न प्रैक्टिस। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स कि आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर की, और ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एसेंचर जर्नी एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। मैं चाहूँगा कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, और आप कनेक्टेड रहो मेरे से, लाइक कभी भी कुछ ऐसा लगता है तो यस आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल द सर, बेस्ट डेफिनेटली। फॉर योर फ्यूचर। कुछ और आप कहना चाहते हो एट द एंड ऑफ सेशन? सर मैं मतलब एक बताना चाहूंगी कि जो सीएम स्टूडेंट है उनको बस पेशेंस रखने चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सीएमए जर्नी है उसमें पेशेंस रहना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत चाहिए सर उसके लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें इतना सारा पढ़ना पड़ता है चीजें। तो वो पूरा मतलब आपने 3 चीजें तो याद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, पेशेंस और डेली प्रैक्टिस। तो ये करोगे, और कम्युनिकेशन सर, सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं सर। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी उसके रोहित लिए सर की क्लासेस करो, सर क्योंकि उसमें आपको पूरा हो जाएगा इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव। टेंशन जो लेने की जरूरत नहीं, बस एक्चुअली पता है, कॉन्फिडेंट मैं होते बताऊं, रहो। मैं खुद भी उसी लेवल से था जहां पे तुम थी स्टार्टिंग में, राइट? मैं भी, मेरे भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैं भी इंटरव्यू में अच्छा नहीं बोल पाता था। तो वो सारे चैलेंजेस जो मैंने फेस किया एज ए स्टूडेंट, और उसी सारी चीज़ों को लेके मैंने अपने कोर्सेज क्रिएट किए कि वो चैलेंजेस मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट फेस करें, उनका अच्छे अच्छे कंपनीज में सिलेक्शन हो। इसलिए आई थिंक तुमने नोटिस किया भी होगा, आई थिंक जितने सिलेक्शन अपने ग्रुप में हुए हैं, मुझे नहीं हाँ लगता कि सर, सीएमए के हिस्ट्री में इतने सिलेक्शन कहीं और अभी तक हुआ है। नहीं सर, बहुत सिलेक्शन हुए आपके को जो कोर्स लिया था। और सर आपकी जो फीस भी है वो भी बहुत नॉमिनल है, क्योंकि बाकी लोग बहुत चार्ज करते हैं, पर आपकी फीस बहुत नॉमिनल है, कोई भी बंदा पूरा ले सकता है आपका कोर्स, वो मतलब भी कोई इसीलिए दिक्कत है नहीं है क्योंकि मैं कोर्स चाहता लेने हूँ, के मुझे लिए। पता है कि मैक्सिमम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतनी यस ज्यादा इनकम नहीं है, तो बहुत इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फीस कम रख रखी है कि एटलीस्ट ज्यादा स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच सकूं। बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे, सीएमए का नाम रोशन होगा, हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और अच्छी होगी, तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। यस सर, तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, रॉक करते रहो थैंक यू लाइफ सर, में, और कभी भी कुछ लगे तो कनेक्ट करते रहना। ओके यस सर, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय, बाय सर, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू।